क्या डेट है भाई आज? आज डेट है 26 जून 2019 है। जून की सबसे स्पेशल बात अगर रही है तो वर्ल्ड कप ही रही है। बहुत कुछ सीखने का मिला है वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप में क्रिकेटर्स के बारे में, अपने बारे में। और क्योंकि हम लाइफ को क्रिकेट से रिलेट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। कल का मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था। इंग्लैंड के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मैच था बिकॉज इंग्लैंड का एक हारने का सिलसिला शुरू हो गया है ना, तो उसके लिए कह रहे थे मे बी एक चांस बन सकता है कि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, कि वो टॉप फोर की रेस में ही ना रहे। जबकि मोस्ट सूटेबल विनर का ऑप्शन माना गया है इंग्लैंड को, बट हो सकता है वो टीम से बाहर आ जाए। तो उसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स हैं, कुछ बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से ना फेवरेबल टीम थी जो कह रहे थे जीत जाएगी, थी ऑस्ट्रेलिया, बट लोगों को लगता था इंग्लैंड है, फाइट बैक करेगी, ऐसा कुछ कर दिखाएगी जो कुछ हो जाए। बिकॉज जो हमने वही दोबारा चूहा और बिल्ली की बात करते थे ना कि यार बिल्ली भागती है चूहे के पीछे बिकॉज उसको भूख पूरी करनी है, जबकि चूहा भागता है अपनी जान बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर ये मैच हार भी जाती कोई बड़ी बात ना होती उनके लिए, नॉर्मल रहता बिकॉज वो सारी छोटी टीमों से मैच जीत के आई है। जैसे अपने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही कहा था, 5 छोटी टीमें जो थी, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 5 छोटी टीमें थी जो इनसे, ऑस्ट्रेलिया तो आराम से जीता ही है पाकिस्तान, बट जो इंग्लैंड है वो 2 छोटी टीमों से हार के आ गई है, जिनमें से 2 छोटी टीमों का नाम है पाकिस्तान से हार गई, श्रीलंका से हार गई। एपिक मैच हारी है, श्रीलंका का मैच 233 रन डिफेंड हुए, मलिंगा ने कुछ ऐसा कर दिखाया। और मे बी इंग्लैंड ना प्रेशर फील कर रहा था। T20 मैच ऐसा होता है 2-3 ओवर में गेम पलट जाती है, पर वनडे मैच में ना गेम बहुत स्लोली जाता है। आप पहले पूरा पहला इनिंग्स होता है, 200 रन बने, 250 बने, 300 बने, दूसरे में आपको धीरे 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 रनों को बढ़ाना पड़ता है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है, एंड में जाके वो ट्रबल होता है। पर एंड में क्या है, स्ट्रेस फील ही मत करते, स्टार्टिंग से ही स्लो जाते, बॉल और बैट का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होता, बॉल बैट पे लगती तो और आउट होता ही नहीं, कोई LBW होता ही नहीं, धीरे धीरे रन बनाने के, और वहीं वो ढेर हो गए और श्रीलंका जीत गई। और उसी तरह से कल क्या हुआ भाई, इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड दोनों बार जब भी मैच हारा है ना वो चेज़ करते हुए हारा है, तो उन्हें समझ आनी चाहिए थी कि वी आर बैड एट चेजिंग द टारगेट, सो वी शुड बी बैटिंग फर्स्ट। और वो टॉस जीत भी गए, बट उन्होंने चूज़ किया कि दोबारा बैटिंग करना। सो आइडियोलॉजिकली या मैथडोलॉजिकली जो देखा जाए, एक पर्सन को जो इंटरनेशनल लेवल पे परफेक्शनिस्ट की लेवल पे खेल रहे हैं वो भी गलतियां करते हैं, तो गलतियां ज़िंदगी का पार्ट है, होती रहेंगी, उनसे ऊपर उठना ज़रूरी है। मतलब कि उनके बारे में सोच लेना, उनके बारे में काम कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होने वाला है, ये पार्ट था। और अगर हम एक फैंटेसी लीग के बारे में बात करें, इतनी दिक्कत आती है ना फैंटेसी लीग बनाने में, फिंच, वार्नर, ख्वाजा, स्मिथ, मैक्सवेल, स्टोनिस को छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा था, कौन छोड़ा जाए। तो यार आपको वही एक लाइंस हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, विनर्स आर चूजर्स, वो हर जगह अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को स्टडी करते हैं और किसी किसी बहुत ही लिमिटेड एडिशन चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, अपना समय बिताते हैं, हर किसी के साथ नहीं चले जाते। इसी की यही मतलब था, जो आउट ऑफ ख्वाजा है उसको छोड़ सकते थे, स्मिथ को ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे टीम में, स्टोनिस है, मैक्सवेल है, बहुत सारे कर सकते थे। नया बंदा बैंड्रॉफ लाया और वही सीधा 5 विकेट ले गया, आई एम नॉट सेइंग आप उसको कैप्टन बना देते, बट टीम में ले सकते थे। मतलब ये एक जर्नी है, ये जो क्रिकेट की जर्नी है, एक लाइफ की जर्नी है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। छोटे 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 गोल्स बनते हैं, वो अचीव होता है और इसकी जर्नी में इंजॉयमेंट होती है। बिकॉज लाइफ इज वट, लाइफ इज अ बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन, एंड विद अ मोटिव टू बी आउट ऑफ ऑल प्लेजर एंड पेन एंड बींग स्टेबल इन द पॉइंट। बिकॉज प्लेजर और पेन है क्या, जो अच्छा लगता है करना, जहाँ से किक मिल रही है वो प्लेजर है, जो करना पसंद नहीं है बट फिर भी करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक पेन है। दोनों ही करने लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाना खाना है, तो वो अगर खाना सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो ज़्यादा टेस्टी नहीं है बट हेल्दी बहुत है, आप उन्हें कहते हो पेन है, मान लिया पेन है, बट वही जो चीज़ें हैं लाइक डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, पनीर टिक्का है, बटर चिकन जो खाते हैं नॉन वेज वगैरह, जो वेज हैं उनके लिए और भी जो आ जाती हैं, ये जो है राइस ज़्यादा खा लेते हैं, भटूरे खा लेते हैं, मैदा खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो फ्राइड फूड है,
ये प्लेजर है बिकॉज वो खाते ही ना इंस्टेंट उनको अंदर कोई हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो मज़ा आ गया यार, बॉडी में नज़ारा ही आ गया, प्लेजर मिलता है। प्लेजर और पेन में सिर्फ डिफरेंस पता है क्या है, प्लेजर वाली चीज़ें ना इंस्टेंट मज़ा दे देती हैं और जबकि पेन वाली चीज़ों के ऊपर ना कॉन्स्टेंट काम करना पड़ता है तब जाके हमें उसका बेनिफिट मिलता है। लाइक अगर हमारे पास एक चॉइस है करने के लिए, यार एक्सरसाइज कर लो या पढ़े रहो, वीडियो गेम देख लो, मूवी देख लो, तो हम वीडियो गेम को चूज़ करते हैं बिकॉज लेजीनेस में प्लेजर है, आलसी बन के पड़ जाओ प्लेजर है, मज़ा आता है। बट वो जो एक्सरसाइज करने में पेन है, दर्द है और उसका रिजल्ट भी ना उसी टाइम नहीं मिलता, जबकि आलसी बन का तो उसी टाइम मिलता है रिजल्ट। पेन का रिजल्ट मिलता है कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, अगर कुछ पढ़ाई भी कर रही हो तो। वी आर नॉट सेइंग कि पूरा दिन दर्द ही लेते रहो या पूरा दिन प्लेजर लेते रहो, बैलेंस ला के रखो। जस्ट लाइक ये फ़ोन है, इतना अल्टीमेट टूल है ना ये, इंटरनेट के कनेक्शन के साथ क्या क्या चीज़ें नहीं है, जैसे क्या नहीं है, इट्स अ बून, बहुत फ़ायदे हैं इसके, फ़ोन के, कैमरा के, वीडियो के, इंटरनेट के। बट वही है, उस तरीके को सही तरह से यूज़ नहीं करते। जैसे अभी किसी की वीडियो में मैंने देखा, जस्ट कि नाइफ अपने आप में कोई गलत या सही चीज़ थोड़ी है, इट्स द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट। लाइक नाइफ आपकी वेजिटेबल्स काटने के काम आती है, फॉर अ सर्जन ये बंदे को काट के उसको ठीक करने के काम आती है, रिपेयरिंग में। बट वही नाइफ अगर एक मर्डर के हाथ में हो, एक बंदा जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो उससे चोरियाँ करता है, बंदे को डराता है, मर्डर भी कर देता है, तो नाइफ तो अपने आप में तो ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो एक टूल है जिसकी मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं। इन द सेम वे हमारा थॉट्स, हमारे माइंड हमारे टूल हैं, करने को अच्छा काम कर सकते हो, ना करने को गलत काम कर सकते हो। तो लाइफ में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, कि पूरे दिन में पर डे ही जीना चाहिए, बिकॉज पास्ट कुछ भी नहीं है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, दिन ही है। 25 जून, 26 जून, 27 जून, जब दिनों में जीना शुरू करते हो ना तो रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, किसी एक दिन ही आता जब बंदा पूरा हो जाता है। तो दिनों में जीना बहुत अच्छा रहेगा। दिनों में जीने के लिए ना दो तीन तरह से अपनी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो, मुझे क्या करना पसंद है, मैं कर क्या रहा हूँ और वो क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से चीज़ें होती हैं। मतलब कि प्लेजर, पेन, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइकनेस, इन चीज़ों को जब आप समझ लेते हो और उसके साथ आप काम करते हो तो काम चलता रहता है। एंड इवन अगर आपका दिन ख़राब है तो एक कोट है, होप फॉर गुड या होप इज़ गुड। जिन जिन की लाइफ ख़राब चल रही है ना, वो एक ही पॉइंट के साथ आगे बढ़ते जाते हैं कि होप फॉर गुड, कल का समय आज से अच्छा होगा, यानी कल दोबारा एक नई अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप वो बैगेज साथ में लेके जा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है। इसी के ऊपर, माइंड और मेमोरी के ऊपर, सुबह सुबह एक स्टोरी देखी है मैंने, रेड एफएम पे सुनी है। उसमें वो क्या कह रहे थे कि एक पर्सन है, एक बूढ़ी औरत है, वो उसके दिन में ना जो भी होता ना, अच्छी यादें या बुरी यादें, जैसा भी उसका दिन जाता, उन यादों के ना पत्थर अपने साथ लेती जाती और कुछ महीने, कुछ सालों तक ऐसी करती रही, तो उसके घर में ना सिर्फ और सिर्फ वो पत्थर ही रहे। तो वो उन पत्थरों को देख के हंसती भी है और रोती भी है, कि उन पत्थरों को देख के याद करती है वो पल। तो अब सारे उसके घर में जब वो यादें इकट्ठे करती रही तो उसके पास सिर्फ पत्थर ही पत्थर रह गए। इसका मतलब पता क्या है, कुछ लोग सिर्फ मेमोरीज के साथ ही जीना शुरू कर देते हैं, यार वो दिन क्या दिन थे, वो मेरे साथ क्या हो गया, जबकि पास्ट है। हम जब अगर 25 साल के हो गए हैं तो वो जो 25 साल हमारे पुराने थे प्योरली ख़त्म हो रखे हैं, सिर्फ मेमोरी में है, एक्चुअल में कोई भी कुछ भी नहीं रहा, वो कोई भी टाइम काटा था। अगर आपके साथ वो मेमोरी है, अच्छी है बुरी है, वो आपके साथ है, अदरवाइज तो सब ख़त्म हो रखा है। तो सेम वे प्रेजेंट में जीने का मतलब पता है क्या होता है, आज आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और उसको टाइम देके उसको बेटर क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। बिकॉज इन दिस मोमेंट ओनली वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, देन वाई वी आर वर्किंग, वी आर जस्ट वर्किंग बिकॉज वर्किंग इज द स्टाइल ऑफ एवरीबडी, आइदर यू कैन वर्क और यू कैन रिलैक्स। कुछ भी करना है बढ़िया मतपन से करो, पर सोचते मत रहो। जैसे अगर मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी सोचूंगा पहला गियर डालना है, वो तो अब यार इतनी आदत पड़ चुकी है, प्रैक्टिस बन चुकी है, तो अपने आप गियर डलेगा, रिवर्स होगी, गाड़ी आगे पीछे जाएगी, चलते रहेंगे। तो हम उन्हीं चीज़ों को, ये बात करने का मेरा सारा मोटिव क्या था कि हमारे अभी भी लाइफ में कुछ प्रोसेसेस हैं जिस पे हम पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बाय दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू कि उस प्रोसेस को ध्यान दे सकते हो ताकि अपनी पुरानी चीज़ों से सीखो। आप 3 साल से कोई काम कर रहे हो पर आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे, तो वो अब 3 साल जो ज़िंदगी जी है उसका तो फ़ायदा ही नहीं है।
कदर आपकी उम्र की नहीं है भाईजान, आपकी तजर्बे की है। आपका तजर्बा, आपसे आपने क्या सीखा है वो आपको मदद करेगा। तो उसी तरह कल के मैच में आपको ये कह रहा हूँ, नया बंदा आया, बैटर ऑफ विकेट्स ले गया, शुरुआत हुई, रूट रूट पे सभी की निगाहें थी, रूट आउट हो गया 6 रन पे, विंस 0 पे चला गया, जॉनी भी कुछ 30-35 रन बना के चला गया, स्ट्रोक जो मेन बंदा था वो स्कोर कर गया, मोर्गन आउट हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी प्रॉबेबिलिटी दो, बट इस तरह से सोचना तो पड़ता है। एंड मेन प्लेयर्स मत छोड़ो, टाइट मैच होते हैं, सोच के चलो कि टाइट मैच है, एकदम वन साइडेड मैच नहीं होंगे, इस तरह से मैच होने वाले हैं, ठीक है। और कबीर सिंह मूवी देखी मैंने, मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी, आई कैन रिलेट विद दैट मूवी। बट एक चीज़ जो मेरे को बड़ी कमियाँ लगी हैं, दैट माइंड, ये बॉलीवुड वाले भी जब कोई मूवी दिखाते हैं ना, ये गलती कर देते हैं, या मे बी इनमें इतनी अवेयरनेस है ही नहीं, इन्होंने इस तरह की कोशिश की ही नहीं है। तो मुझे समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी या नोइंग अबाउट योर सेल्फ कैन, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टू योर लाइफ। लाइक अगर उस मूवी में वो बंदा उससे प्यार करता था, वो ये जो तरीके थे, पागलों की तरह रिएक्ट करता था, पेड़ तोड़े मार जाता था, एट द सेम टाइम उस बंदे को उसे रियलाइज होना हो जाना चाहिए था, गंदी एकदम सही है मेरी, बट उसकी फैमिली पगलैट है, पागल है, ढक्कन है, डमरू नाथ है, कि उनको नहीं समझ आ रहा कि बट वी बोथ फील फॉर ईच अदर, बट वो उसके साथ ही कुछ रिएक्ट कर रहे हैं ऐसी हरकतों में, कैसे नशे में फंस चुके हैं भाई। मतलब कि आपका, आपकी बॉडी और माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है, एंड यू आर यूजिंग सिगरेट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स फॉर कीपिंग योर माइंड काम। ये क्यों है? आदत ही तो बढ़ गई है और कुछ भी नहीं है। तो ये मूवी ना बड़ी काफ़ी वो होती है, और मूवी को देखते हो यही रहना चाहिए, उस माइंड तो खो रही हो, बट हाँ मूवी चल रही है, मूवी ही है, चलने दो, अपने आप पे कंट्रोल रखो कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। आप इस चीज़ों में फंसो मत कि मूवी में ऐसा हुआ है, यार हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाए। अपनी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, सोल्यूशन सिर्फ इतना है, अपनी लाइफ को ना एक मूवी की तरह सोचो, यार ऐसा चल रहा है तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो कर दो। जैसे ना एक बंदा है, एक बंदे को ना एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो मैंने कभी सुनी थी। एक किसान ना अच्छा खासा अपने घर में ना खेती कर रहा था, ठीक है, किसान ना अच्छा खासा अपने घर में खेती कर रहा था। तो हुआ क्या, एक साथ वाला ना बंदा था जिसका ना नदी के किनारे घर था, नदी के किनारे घर था। स्टोरी कैसी थी, मतलब ऐसा कुछ था, एक किसान था या जो खेती कर रहा था या उसका नदी के किनारे घर था, उसे ना कहीं से एक अफवाह मिली या किसी ने उसको बोल दिया कि ना कहीं ना कहीं ना बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं। तो कहता अच्छा, कहता वो हीरे की एक कीमत ना 50 करोड़ रुपए है। अब वो हीरे की कीमत का रीज़न क्या है, अगर आपको हीरे मिल गए ना तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, आपको दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। तो ना वो हीरे पाने के लिए ना अपना घर बार सब कुछ बेच के, ये बेच के ना कहीं निकल जाता है, माइनिंग में लगाता है, मतलब कि सब कुछ खोदने की जरूरत करता है। 5, 10, 15, 20 साल बाद ना उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो फिर कहता है यार मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया 1-2 साल में। तो वो हार के ना वहाँ जब वापस आता है ना, और थका हारा बैठा होता है अपने कहीं पानी के पास, तो उसको दिखा आता है कि उसके घर के पास ही जो नदी थी ना, उसी के पास में हीरे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, एक्चुअली हम ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं आउटर वर्ल्ड में, किसी और दूसरे इंसान में, किसी चीज़ में या किसी जगह में, कि यार हमें वहाँ जाके खुशी या सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट उस वो है ही नहीं। आपको रियल सेटिस्फेक्शन अंदर ही मिल सकती है, खजाना हमारे अंदर ही पड़ा है, उसको सिर्फ ज़रूरत क्या है, उसको देखने की। अगर हम सिर्फ 1 मिनट चुप रहकर ये फील ही कर पाए ना कि हम इतने बड़े वर्ल्ड में जी रहे हैं, एंड वी आर सो लकी टू रियलाइज दिस फैक्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी मोटी लगेंगी। ये सिर्फ एक झूठ ही है जो हमने अपने आप को बोल रखा है, जबकि हमको रियलिटी में जन्म, दर्द, लव, प्यार, दुख सब कुछ पता लग रखा है। तो चीज़ क्या है जो हमें डिस्टर्ब करती है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, और इसको जानने के बाद ही कुछ ना कुछ करो, बिकॉज पूरा दिन है, पूरा दिन कुछ ऐसे मंत्र मारते तो बैठते नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ करना है। बस ये देख लो क्या करना चाहते हो, वो करना चाहते हो जो तुम्हें पसंद है, या वो करना चाहते हो जो पसंद नहीं है बट जिसमें तुम अच्छे हो, तो बहुत बढ़िया। इस चीज़ की रियलाइजेशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो हैव अ ग्रेट डे, कभी और मिलेंगे तुम्हारा नेक्स्ट वीक बेबी, बट स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, एंड अंडरस्टैंड इज यू आर लव, यू आर जॉय, यू आर हैप्पीनेस, स्टे ब्लेस्ड।